क्या करें, पेमेंट डिजाइन कर रहे हैं ना। चलो आज जो हमारा क्लास होगा दोस्तों, पेमेंट डिजाइन के एमसीक्यू करेंगे इसमें पहले। और एमसीक्यू हम जैसे कि कुछ एसएससी के हैं और कुछ इंजीनियरिंग सर्विस के हैं, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। हालांकि पेमेंट डिजाइन में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि खासकर जैसा एसएससी जेई वगैरह बोलूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा एक क्वेश्चन आपका मेथड्स पे आता है कि मेथड ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट, और कुछ चीज़ें आपके जैसे कि जॉइंट्स पर आता है, और जो मेथड के अंदर की बातें हैं जैसे सीबीआर मेथड हो गया या ग्रुप इंडेक्स मेथड हो गया, तो इनमें से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं बता दूं, अगर एसएससी जेई आया जेई में, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन दिखते हैं भाई, वो दिखते हैं ज्योमेट्री में। बट देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। तो शुरू करें, पेमेंट डिजाइन को शुरू करते हैं दोस्तों। हाईवे इंजीनियरिंग का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, पेमेंट डिजाइन, जिसके एमसीक्यू हम करेंगे, जिसमें से आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन मैंने रखा है यहाँ पर इंजीनियरिंग सर्विस का है। और जो कि पहला क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज इन द डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट। तो मैंने कहा था ना आपको कि यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें 100% बनने के चांसेस रहते हैं, कोई भी एग्जाम आप देख लो। तो ये क्वेश्चन सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है पेमेंट डिजाइन से, कि क्या करता है कि आपको मेथड देगा, चार मेथड बोलेगा कि रिजिड, जैसे यहाँ पर तो बोला कि रिजिड का बताओ। तो आप एक काम करो केवल, कि जो आपके फ्लेक्सिबल पेमेंट मेथड के डिजाइनिंग के या थिकनेस निकालने के जो मेथड हैं उनको याद कर लो, तो आपका काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिजिड पेमेंट में एक ही मेथड लगता है, और उसको बोलते हैं क्या बोलो, वेस्टरगार्ड मेथड। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बताओ क्या किस पे जाओगे। सीबीआर मेथड भी होगा नहीं, क्यों? कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो ऑब्वियसली है, फ्लेक्सिबल पेमेंट में यूज होता है। ग्रुप इंडेक्स मेथड बिल्कुल आपको पता है कि फ्लेक्सिबल में यूज होता है। मैकलूज मेथड भी जो है कन्फ्यूज में रहता है लोगों का, मैकलूज मेथड में भी लोग कन्फ्यूज रहते हैं, तो ये भी आपका जो है फ्लेक्सिबल पेमेंट का डिजाइन है। तो आप बोलेंगे सर सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बढ़िया सा आंसर होगा, जो कि क्या है, आंसर है। अब देखो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में चलते हैं इसके दोस्तों। जब हम डिजाइन मेथड की बात करते हैं, हम सभी लोग जानते हैं भाई, मोटे मोटे पर हम दो तरह के पेमेंट की बात कर रहे हैं, एक फ्लेक्सिबल पेमेंट और एक दूसरा कौन सा, रिजिड पेमेंट, सीसी कंक्रीट पेमेंट जिसको बोलते हैं, फ्लेक्सिबल मतलब बिटुमिनस वाला। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के मेथड याद कर रहे हैं आपको डिजाइनिंग के और थिकनेस निकालने के, इन पाँचों के पाँचों के नाम याद रखने होते हैं, काम हो जाता है यहाँ से भी। ग्रुप इंडेक्स मेथड जिसको बोलते हैं आप, जीआई वैल्यू मेथड भी कहते हैं, सीबीआर मेथड, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड, ट्राइक्सल मेथड और बर्मिस्टर मेथड, और लास्ट में पांचवा है मैकलूड मेथड। तो पांच मेथड है, ठीक है, उनमें से आपको आंसर क्या हो जाएगा, तुम सभी लोगों ने आंसर क्या कर दिया है, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एज पर द लेटेस्ट आईआरसी, लेटेस्ट आईआरसी का मतलब है इंडियन रोड कांग्रेस है, और इंडियन रोड कांग्रेस 2009 में ही आ रखा है, पुराना है, लेकिन इंजीनियर इसमें आने के चांसेस हो सकते हैं आईएएस एसएससी में। इंडियन रोड कांग्रेस की जो गाइडलाइंस है, और ये गाइडलाइंस में लेटेस्ट वाली जो है, पुरानी नहीं, बहुत पुरानी नहीं, बोला गया है फॉर द डिजाइनिंग डिजाइनिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट बाय सीबीआर मेथड, द लोड पैरामीटर रिक्वायर्ड इज। अब ये भी तुमको थोड़ा बहुत याद आ जाएगा, अगर आपने पीछे क्लासेस देखी हैं तो आपको याद आ जाना चाहिए कि हमने एक बात तो करी थी कहीं इस तरह की। तो आप पहले पढ़ो सवाल क्या है। सवाल यह है कि आईआरसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो डिजाइनिंग है फ्लेक्सिबल पेमेंट की, और वो भी सीबीआर मेथड से, सीबीआर मेथड से, और एक लोड पैरामीटर रिक्वायर्ड, हम मतलब जरूरत पड़ती है एक लोड पैरामीटर की वहां पर, तो लोड पैरामीटर क्या होता है, तो नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल पर डे, या क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल इन एमएसए, या इक्विवेलेंट सिंगल एक्सेल लोड, या नंबर ऑफ व्हीकल ऑल टाइप ड्यूरिंग डिजाइन लाइफ। तो वहां पर हमने एक शब्द यूज किया था दोस्तों, सीबीआर एक्चुअली में मेथड में, और उसके बाद वाले मेथड में भी यूज किया था, सीएसए, याद है सीएसए। और सीएसए का फुल फॉर्म क्या था, क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल। तो यही आंसर, आंसर क्या हो जाएगा, सीएसए, दैट मींस क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल इन एमएसए। तो ध्यान रखिएगा हम लोग इसका यूज करेंगे, सीएसए दैट मींस क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल।
ध्यान रखना बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन होगा, चलो कोई बात नहीं लिख लो। इफ द लोड वार्पिंग एंड फ्रिक्शनल स्ट्रेस इन अ सीमेंट कंक्रीट स्लैब आर 210 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 290 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये स्ट्रेसेस की वैल्यू। हालांकि ये तुमने पढ़ा नहीं है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जब आता है तो ये कैसे टैकल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये आजकल खूब पूछा जा रहा है इस तरह का क्वेश्चन। ये सबसे पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर का है, मतलब कि किस टॉपिक का है, वो है रिजिड पेमेंट के मेथड का। ये फ्लेक्सिबल पेमेंट का नहीं है, और ये रिजिड पेमेंट आपने पढ़ा नहीं है हालांकि, बट वो बहुत सिंपल है, आप यहीं पर समझ जाओगे इसको निकालना कैसे क्वेश्चन बन रहा है। रिजिड पेमेंट में क्या होता है दोस्तों, कि एक स्ट्रेस एनालिसिस एक चैप्टर हम पढ़ते हैं, और जो कि ये बात हो रही है, हालांकि किसकी बात हो रही है, समर सीजन की। समर सीजन का मतलब है कि दोस्तों एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम किसी, अब देखो सीमेंट की रोड हम पढ़ रहे हैं, सीमेंट की क्या पढ़ रहे हैं, रोड पढ़ रहे हैं, तो सीमेंट की रोड हम स्लैब बाय स्लैब डालते हैं, एक स्लैब हो गई दूसरी स्लैब, इसके बीच में फिर ज्वाइंट पड़ते हैं, तो इन स्लैब्स में कॉन्ट्रैक्शन भी होता है एक्सपेंशन भी होता है, उनके लिए हम गैप भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग स्ट्रेसेस की हम गणना करते हैं, जिसमें कि आपका लोड स्ट्रेस आता है, फ्रिक्शनल स्ट्रेस आता है ना, ये सारे स्ट्रेसेस की गणना करते हैं। जैसे कि उसने दे भी रखा है, देखो 210 कौन सा स्ट्रेस दे रखा है, ये वाला, ये दे रखा है लोड स्ट्रेस। वार्पिंग स्ट्रेस ये वाला दे रखा है 290, एक फ्रिक्शनल स्ट्रेस दे रखा है उसने 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम टोटल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कॉम्बिनेशन का मतलब है टोटल इफेक्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ सबका इफेक्ट, और वो भी समर सीजन में, तो हम क्या करेंगे, लोड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस माइनस का फ्रिक्शनल स्ट्रेस, फ्रिक्शनल स्ट्रेस को क्या लेते हैं माइनस, तो वहां से आपका वैल्यू जो आ जाएगा 490 के करीब आना है। मैं आपको करके बता देता हूँ, टेंशन ना ले। देखो सबसे पहली बात तो यह है, मैंने आपको कहा कि जब हम बात करते हैं ड्यूरिंग समर सीजन, यहाँ पर मैंने आपके लिए सब कुछ लिखा हुआ है, ड्यूरिंग समर सीजन मिड डे की बात हो रही है, समर की बात हो रही है, तो दोस्तों जो हमारा टोटल कॉम्बिनेशन बनेगा स्ट्रेस का, वो बनेगा सर लोड स्ट्रेस एस एल लिख रहा हूँ, प्लस वार्पिंग स्ट्रेस एस डब्ल्यू लिख रहा हूँ, और माइनस का एस एफ, दिस इज द फ्रिक्शनल स्ट्रेस। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप सॉल्व करते हैं इसको, तो लोड स्ट्रेस 210 प्लस एस डब्ल्यू, दिस इज 290, एस एफ दिस इज द 10, तो आप जोड़ दो इसको, 290 और 210 कितना हो गया 500, और 500 में से 10 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 490। तो इस तरह से आना है, छोटी सी कैलकुलेशन है, एक दो बार जब क्वेश्चन इस तरह के करोगे तो याद ही हो जाएगा, एग्जाम में भी आप एक नंबर तुरंत निकाल के आ जाओगे, कहीं से कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन IAS 456 1978, अब ये देखो तुम सोच रहे होंगे कि कहीं आरसीसी का क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं आरसीसी का नहीं है, कतई नहीं है, ये तुम्हारा कहीं ना कहीं जुड़ा है किससे, एक्सपेंशन ज्वाइंट जब आ जाता है तो एक्सपेंशन ज्वाइंट हम लोग केवल का केवल किस में यूज करते हैं, रिजिड पेमेंट में। ये बात मैंने पहले भी बताया आपको, रिजिड पेमेंट में, और रिजिड पेमेंट बन रहा है इसका मतलब रोड की ही बात हो रही है, हालांकि क्योंकि हम कॉन्क्रीट का रोड बना रहे हैं तो कॉन्क्रीट का कोड कौन सा है जी, IAS कोड 456। अब सवाल को पहले पढ़ो और फिर जवाब करो। सवाल है, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ IAS कोड 456 1978 द एक्सपेंशन ज्वाइंट क्या करता है, चार ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। SSC का क्वेश्चन है, एक्सपेंशन ज्वाइंट आर प्रोवाइडेड वेयर प्लेन चेंजेस एब्रप्टली, अच्छा, आर प्रोवाइडेड टू इंश्योर मिनिमम रेजिस्टेंस, आर सपोर्टेड ऑन सेपरेट कॉलम, कॉलम का मतलब यहां पर सपोर्ट है, बताइए यहां पर बोलो है? कहां पर आप एक्सपेंशन ज्वाइंट प्रोवाइड करेंगे, जहां पर आपका प्लेन का, प्लेन जो है आपका चेंजेज होने के चांसेस हैं। एब्रप्टली का मतलब होता है अचानक से या जल्दी से, ठीक है ना, तो ये भी सही है। आर प्रोवाइडेड टू इंश्योर मिनिमम रेजिस्टेंस, है ना, मिनिमम रेजिस्टेंस का मतलब है कि जहां पर आपका क्या होगा, जहां पर आपका क्या होगा, जो आपका एक्सपेंशन क्यों होता है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण, और टेम्परेचर बढ़ने के इफेक्ट को जहां पर आपको मतलब कि जहां पर आपको टेम्परेचर बढ़ने के खतरे से आप क्या करते हैं, थोड़ा सा गैप प्रोवाइड करते हैं, तो आप ये सोच के चलते हैं, ये इंश्योर करके चलते हैं कि आपका ये जो गैप है, ये गैप जो है ये कहीं ना कहीं बाद में, खैर हालांकि इसमें मैं आपको पूरा आज डिजाइन करा दूंगा, टेंशन ना लो, फिर भी आप समझ लो, ये जो गैप प्रोवाइड आप करते हैं
ये आपका इंश्योर हो जाए कि आपका जिस पर्पज के लिए गैप प्रोवाइड किया है आपने वो दे दे। इसीलिए उसने लिखा है टू प्रोवाइड इंश्योर मिनिमम रेजिस्टेंस, और वो गैप प्रोवाइड इसीलिए किया है कि आपका वो मतलब कि आपका एक्सपेंड हो जाए। और एक और गैप हम प्रोवाइड करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट, वो तो हम पढ़ेंगे ही। आर सपोर्टेड ऑन द सेपरेट कॉलम, ठीक है ना, कॉलम का मतलब यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो सारे के सारे हो जाएंगे, कभी कभी हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी सोचना होता है, तो सारे के सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। ऑप्शन इसका डी दे रखा होगा, दे दो। तो SSC JEE 2017 में आ रखा है, तो आपको सारे के सारे ऑप्शन क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं एक्सपेंशन ज्वाइंट से, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो ना हो। तो चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि भैया एक होगा कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट, एक होता है आपका एक्सपेंशन ज्वाइंट, एक और ज्वाइंट होता है कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, उसी का भाई है ये भी, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अलग ज्वाइंट है, वो तो आज हम फिगर से समझेंगे ही। तो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट को हम प्रोवाइड क्यों करेंगे, ये इसमें इन ऑप्शन के माध्यम से पढ़ा है, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। ये भी SSC का क्वेश्चन है ना, हाँ 2017 में। बोलो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट क्यों प्रोवाइड करते हैं आप। पहला ऑप्शन है जी बेंडिंग मोमेंट ऑफ शियर फोर्स, वेयर बेंडिंग मतलब कहां पर प्रोवाइड करेंगे, क्यों नहीं, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट आर प्रोवाइडेड वेयर, कहां पर, वेयर बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स आर स्मॉल। अच्छा, दूसरा वेयर द मेंबर इज सपोर्टेड बाय द अदर मेंबर। तीसरा एट 18 मीटर अपार्ट इन द ह्यूज स्ट्रक्चर। तो आपको बता दें कि ये सारी की सारी जो है ना कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट की डेफिनेशन है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, तो ये कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट की डेफिनेशन है बहुत अच्छे से। हमेशा आप तभी जो ज्वाइंट को यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट जहां पर आपका थोड़ा बहुत बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स का खतरा रहता है, तो ये बात सच है। वेयर द ऑल द मेंबर इज सपोर्टेड बाय द अदर मेंबर, मतलब मेंबर इज सपोर्टेड बाय द अदर मेंबर, दूसरे मेंबर से सपोर्ट हो रखो, या एक और डेफिनेशन है एट द 18 मीटर अपार्ट इन द ह्यूज स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, अगर आप देखते ही जवाब कर सकते हो अगर आपने कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट की डेफिनेशन पढ़ी है। लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन से ही आप डेफिनेशन समझ गए, तो ये भी आंसर क्या हो गया इसका, डी ऑप्शन हो गया, SSC JEE 2018 में आ रखा है। तो जो भी आप पढ़ोगे कुछ भी आपका जो है ना फालतू फालतू नहीं जाता है, जो भी चीज़ें आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने हाईवे में इतने डिटेल में जी इतनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, सब आप एग्जाम में देखोगे क्वेश्चनों के माध्यम से। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, देखो सवाल को पहले पढ़ो, इसमें चारों के चार ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह डी डी ऑप्शन हो रहा है तो डी होगा, यहाँ भी पहले चार के चार पढ़ोगे तो उसके बाद जवाब करेंगे। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो चलो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट आर नेसेसरीली प्लेन्ड फॉर दियर लोकेशन, एक्सपेंशन ज्वाइंट्स आर प्रोवाइडेड टू अकोमोडेट थर्मल एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट आर प्रोवाइडेड टू कंट्रोल द श्रिंकेज क्रैक। तो यहाँ पर कुछ भी गलत लिख रहा है आपको, सब कुछ सही है। कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट को श्रिंकेज जो क्रैक होते हैं, क्योंकि कंक्रीट में क्या होता है कि श्रिंकेज भी इफेक्ट रहता है, श्रिंक कर देता है कंस्ट्रक्शन के बाद, तो उसको भी काउंटर करता है, उसके लिए भी इफेक्ट को बचाता है। एक्सपेंशन ज्वाइंट ऑब्वियसली जो टेम्परेचर के ज्वाइंट का एक्सपेंशन आ रहा है भाई, थर्मल मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर के कारण जो क्रैकिंग आने के डर है उसके लिए हम एक्सपेंशन ज्वाइंट डाल दे रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट की बात किया जाए, ये नेसेसरी है कब है, बोला है कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट आर नेसेसरी प्लेन्ड फॉर दियर लोकेशन। ये कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट जो है, अभी मैं आपको आगे फिगर बताऊंगा तो उनमें क्या डिफरेंस है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको सही लग रहे हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट पांचवें क्वेश्चन पर चलेंगे हम, पांचवा तो हो गया, छठवां क्वेश्चन पे। ज्वाइंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, तो इसलिए ज्वाइंट्स आज जो हम पढ़ेंगे तो आपको ढंग से याद रखने हर एक चीज। एक्सपेंशन ज्वाइंट आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर एक्सीड, ठीक है ना, लेंथ ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर इज एक्सीड। अब कई लोगों को ये एक्सपेंशन ज्वाइंट जब दिख जाएगा तो इसी से समझ जाना चाहिए कि रोड की बात हो रही है। जब आप एक्सपेंशन ज्वाइंट यहाँ पर देख रहे हैं तो इसका मतलब रोड की बात हो रही है, और जब रोड की बात हो रही है तो दोस्तों क्या होता है कि जो हमारे ज्वाइंट प्रोवाइड किए जाते हैं तो लगभग 45 मीटर के स्लैब, ठीक है ना, तो इतने मीटर की जो स्लैब होती है उनके बीच में ये स्पेसिंग, एक्चुअली में ये इनडायरेक्टली आपको स्पेसिंग पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्पेसिंग पूछ रहा है कि जो एक्सपेंशन ज्वाइंट है कितने कितने स्पेसिंग पर रखते हो, और हर एक जगह पे तो मतलब कि हर एक स्लैब पे तो नहीं रखोगे,
ये स्लैब है तो फिर 15 मीटर 15 मीटर के बाद फिर आपको एक्सपेंशन ज्वाइंट इस तरह से, ठीक है। तो ये है जी आपकी कहानी, दिस इज द 45 मीटर, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। ये मैं आपको आज पढ़ाऊंगा अभी, टेंशन ना ले। सरफेस वेयर टू सक्सेसिव प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्क्रीट मीट आर नोन एज, क्या जवाब दिया है? बोल रहा है द सरफेस वेयर टू सक्सेसिव प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्क्रीट मीट आर नोन एज, कंस्ट्रक्शन होगा, एक्सपेंशन होगा, या बोथ कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन। एक सरफेस है, ये कहने का मतलब इसका हिंदी मीनिंग है, एक सरफेस ऐसा जिसमें कि दो कंक्रीट जो है प्लेसमेंट हो रहे हैं, है तो जॉइंट ही, सक्सेसिव प्लेसमेंट, जैसे कि एक कंक्रीट का प्लेसमेंट सरफेस ये हो रहा है, एक आपका ये दूसरा हो गया, तो ये इस जॉइंट को क्या कहेंगे? अब यहाँ पर हो सकते हैं कि ज्वाइंट तो ज्वाइंट है, सभी ज्वाइंट लग रहे हैं, क्या होगा बताओ, दोनों या कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, ठीक है। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट की डेफिनेशन है द सरफेस वेयर टू सक्सेसिव प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट मीट आर नोन एज, ध्यान रखना सक्सेसिव। यहां पर थोड़ा सा स्पीकर को देखते हैं हम, इससे थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी आपके पास, ठीक है। देखो अब ध्यान से, ये टॉप व्यू सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द टॉप व्यू एक्चुअली, ये क्या है सर, टॉप व्यू है, ओके टॉप व्यू देख रहे हैं ना, ऊपर से देख रहे हैं हम। जॉइंट्स की बात करें जाए, जब डिजाइन ऑफ जॉइंट्स की बात करते हैं हम लोग, तो दोस्तों यहां पर ये जो स्लैब है, ये है एक स्लैब पूरी, एक पूरी स्लैब यहां तक है, देखो इसको देखो यहां तक, ये पूरी एक स्लैब है भाई, ठीक है, एक स्लैब हुई, और इधर भी एक पूरी स्लैब होगी, ऐसे होगी कि नहीं होगी, तो वो मैंने क्या किया, एक हिस्सा दिखाया बस इस स्लैब का, आप समझ जाओगे। अब देखो इधर थोड़ा सा स्पीकर को देखने की कोशिश करो दोस्तों, तो आप क्या देख रहे हैं कि सर यहाँ पर ये वाला जो स्लैब है, ये एक स्लैब ये हो गया और एक स्लैब ये हो गया, इन दोनों के बीच में गैप प्रोवाइड देख रहे हैं आप, गैप प्रोवाइड देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये देखो, अरे देख रहे हैं, और गैप प्रोवाइड तो बिल्कुल देख रहे हैं, और यही गैप कहला रहा है आपका एक्सपेंशन गैप या एक्सपेंशन ज्वाइंट, क्या कहला रहा है सर, एक्सपेंशन ज्वाइंट, क्या बोलते हैं इसको, एक्सपेंशन ज्वाइंट। तो अब ये जो ज्वाइंट है इसको भरना तो पड़ेगा भाई, किससे भरेंगे, स्टील से भरेंगे, क्योंकि एक बात तो ये जो स्लैब है, ध्यान से सुनना, ये जो स्लैब है और इस स्लैब को एक मोनोलिथिक बिहेवियर देने के लिए आपने जो गैप तो प्रोवाइड कर दिया एक्सपेंशन के लिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक मोनोलिथिक बिहेवियर, मोनोलिथिक शब्द का मतलब होता है कि यूनिट स्ट्रक्चर देने के लिए, ये स्लैब और ये स्लैब एक यूनाइटेड तरीके से काम करें, ऐसा नहीं कि ये अलग चल रहा है और ये अलग चल रहा है, ऐसा नहीं कि लोड इसमें आया और ये नीचे झुक के इसमें अलग जा रहा है, ऐसा नहीं, एक यूनाइटेड, आपने देखा ना रोड जब बनती है तो ऐसा तो होता नहीं है कि भाई इसमें रोड आ रही है, इसमें गाड़ी आ रही है, ऐसा झुक रहा है, इसमें आ रही है, ऐसा होता है नहीं, आप तो सेम टू सेम देखते हैं, तो इसका मतलब ये यूनाइट किया जाता है इसको, इसको मोनोलिथिक बनाया जाता है, उसके लिए हमें स्टील यूज करना पड़ता है, यूनाइट करने के लिए हमें स्टील यूज करना पड़ता है, तो देखिए बार कैसे डालने पड़ेंगे तभी तो होगा ये यूनाइटेड, यूनाइटेड ये है आपका मोनोलिथिक बार, बनाने के लिए बार डाल दी, तो आप क्या बोलते हैं इसको, डोवेल बार, तो डोवेल बार किसमें यूज किया आपने, एक्सपेंशन ज्वाइंट में। तो आज के बाद हमेशा से एक नंबर का क्वेश्चन ये समझो पक्का हो जाता है एसएससी में, ED का फुल फॉर्म आप बोलेंगे जब आप कॉलेज में पढ़ते थे बचपन में, तो क्या होता था, यस इंजीनियरिंग ड्राइंग, और दूर दूर तक इंजीनियरिंग ड्राइंग का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुमको तो पता ही है मैं ऐसे आलतू फालतू फर्जी बातें बताते रहता हूँ जिससे कि तुम्हें याद भी रहता है कि नहीं, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग ईडी का मतलब है इंजीनियरिंग ड्राइंग, लेकिन यहाँ पर कहीं दूर दूर तक कोई जरूरत नहीं है इसकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की, लेकिन ये क्या है, एक तरीका है याद करने का, कभी नहीं बोलोगे आप कि गुरुजी ने बुलाया था इंजीनियरिंग ड्राइंग, ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग, ई फॉर एक्सपेंशन ज्वाइंट और डी फॉर डोवेल बार, याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं सर यहाँ पर, बीच बीच में श्रिंकेज का इफेक्ट लेने के लिए, कॉन्ट्रक्शन ज्वाइंट को कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट बोला जाता है, तो बीच बीच में हमारा श्रिंकेज होता रहता है, तो ये बहुत है उसी डायरेक्शन में पड़ रहा है, लेकिन ये गैप उतना ज्यादा नहीं होता है, बिल्कुल सरफेस टू सरफेस से जुड़ा होता है, बस बीच में स्टील पड़ेंगे, बस है उसी डायरेक्शन में,
उसी परपज मतलब कि उसी सेम उस फिनोमिना में तो हम बोलेंगे इसको क्या, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। क्लियर है यहाँ तक? अरे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट हो गया, यस। ये भी क्या होगा सर, ये भी क्या है, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट सेम है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है, एक कॉन्ट्रैक्शन के इफेक्ट लेंगे बीच बीच में। ये भी क्या होगा सर, यहाँ पर देखो एक स्लैब ये निकल गई, देखो एक स्लैब ये है वही, और गैप प्रोवाइड कर दिया आपने, देखो गैप प्रोवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा जी, पीला वाला बार, पीला वाला एक्सपेंशन ज्वाइंट, मतलब एक्सपेंशन ज्वाइंट होगी, बार कौन से होंगे सर, डोबेल बार, डी बी लिख रहा हूँ, डोबेल बार। लेकिन सर यहीं पर एक और बार होती है जिसका एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, ये पीछे हम देखेंगे आगे क्वेश्चन, बहुत बार आता है एस एस सी में, जिसका नाम सुना होगा आपने, टाई बार। सुना है? नहीं सुना? बिल्कुल सुना होगा। अब टाई बार बताता हूँ आपको, टाई बार कहाँ है, आप देख रहे होंगे कि सर क्या होता है कि एक हिस्सा स्लैब का ये वाला है, ये वाला, और एक हिस्सा ये, इस स्लैब मतलब कि ये वाला, देखो इतना हिस्सा मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, इधर वाले हिस्से में देखो पहले, इतना हिस्सा ये वाला हिस्सा, देख रहे कि नहीं देख रहे, और एक ये है, इन दोनों को मोनोलिथिक बिहेवियर कौन देगा, कौन देगा बोलो, टाई बार। तो कहने का मतलब है पहचानोगे कैसे, टाई बार ये है, ये है जी टाई बार, ये जी ये टाई बार है, तो इस पार्ट स्लैब को, इस स्लैब को मोनोलिथिक बिहेवियर देने के लिए। तो टाई बार आप देख पा रहे हैं कि सर आप कहां पर यूज करते हैं टाई बार, तो टाई बार का यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट। क्या बोलते हैं सर, लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट, मैंने लिखा भी, देखो ये देखो यहां पर लिखा, अगर आपको दिख रहा हो क्या लिखा इधर, लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट, लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट मतलब ये वाला गैप जो है, देखो ये पूरी लाइन खींचूंगा तो समझ आ जाएगा आपको, ये जो गैप है, तो गैप को प्रोवाइड करने के लिए आपने बार तो डालनी पड़ेंगे सर, तो क्या बोला, इस लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट को बनाने के लिए, मतलब जो उस करने के लिए आप क्या बोलोगे सर, ये वाला जो बार है ये क्या है सर, टाई बार है, ये भी क्या है सर, टाई बार है, ये भी क्या है सर, टाई बार, ये सब टाई बार है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट में क्या पड़ा सर, टाई बार पड़ा। तो आप बोलेंगे सर लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट में हमने क्या डाला, टाई बार। कैसे याद किया था मैंने, हम करेंगे इसको एलटी से। एलटी शब्द कहाँ सुना आपने, कहीं सुना है जीवन में, ईडी तो आपने सुना होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग, एलटी कहाँ सुना था, एलटी हाँ बोलो, है दसवीं की, मतलब टीचर टूचर होते हैं नहीं, एलटी एक टीचर होता है, एलटी का टीचर सुना होगा आपने, लेक्चरर सुना होगा, स्कूल में विद्यालय में होता है, उससे याद रख सकते हैं, और भी कुछ आ रहा है आपको तो कुछ भी याद कर लो, बस मेनली ये है कि एलटी याद होना चाहिए, एलटी है ना, तो बस हो गया काम खत्म। लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट पे हम टाई बार यूज करते हैं, तो ये है जी कहानी, ठीक है ना। यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा जब स्तर में बढ़ जाता है तो क्या होता है कि पूछा इस तरह से भी जाता है कि जो हमारी रोड का जो मूवमेंट डायरेक्शन है, मूवमेंट डायरेक्शन है उसमें कौन बार पड़ती है, तो बताइए मूवमेंट डायरेक्शन में कौन सी बार आप डाल रहे हैं, बताओ तुम बताओ, ऑप्शन में दो ही दे रहा हूं मैं, टाई बार या डोवेल बार, बोलो टाई बार पड़ रही है या जंग से देखो उल्टा उल्टा देख रहे हो, तुम गाड़ी ऐसे चलाते हो भाई, गाड़ी ऐसे चलाते हो ऐसे हैं, ये मूवमेंट डायरेक्शन है, बोल रहे टाई बार कम्बक, ये ऐसे चलाते हो गाड़ी, गाड़ी कैसे चलती है, ये है रोड का डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द रोड, रोड का डायरेक्शन ये है, तो गाड़ी का मूवमेंट ऐसे ही होगा, तो इस डायरेक्शन में देख रहे हो बार कौन से पड़ रही है, इसी डायरेक्शन में डोवेल बार, तो ये कंफ्यूजिंग है, पहली बार कंफ्यूजिंग होता है इस क्वेश्चन में, लेकिन आज के बाद नहीं होगा। तो क्वेश्चन आता है कि मूवमेंट डायरेक्शन ऑफ द व्हीकल विच टाइप ऑफ बार इज प्रोवाइडेड, तो आप बोलेंगे सर वो डोवेल बार होगा, ये देखो ये बार पड़ रही है उसी डायरेक्शन में, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में देखो, देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट से कंफ्यूज मत हो ना, समझ गए, वो अलग चीज है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो अब आते हैं नेक्स्ट हमारी जो चीज है नवे क्वेश्चन में, 2017 में आ रखा है, अ कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट इज प्रोवाइडेड वेयर, ये कर दिया था क्या, बेंडिंग मोमेंट इज स्मॉल, शियर फोर्स इज स्मॉल, मेंबर इज सपोर्टेड बाय अदर मेंबर, देन ऑल ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको नया भी लग सकता है और ये ऐसा भी लग सकता है कि नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत सिंपल है जी, इसमें करो पहले तो आप, पहले दिया क्या है पहले देख लेते हैं, देखो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, ये आपका
पेमेंट का क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस फॉर कॉन्क्रीट पेमेंट इज द रेशियो ऑफ द अर्थ थिकनेस इज 1 पॉइंट। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ रिलेटिव थिकनेस, इसको बोलते हैं भाई अपना बी बोलते हैं इसको, रेडियस ऑफ रिलेटिव थिकनेस बी बोला जाता है इसको। और दूसरा क्या दे रखा है, कॉन्क्रीट पेमेंट की रेशियो ऑफ द अर्थ थिकनेस, तो ये बोल रखा थिकनेस का, तो बी अपॉन एच का रेशियो उसने 1.5 दे रखा है। निकालना क्या है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ रिलेटिव फॉर द कॉन्क्रीट पेमेंट इज द रेशियो ऑफ द अर्थ थिकनेस बी बाई एच। ठीक है ना, निकालना क्या है जी, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस फॉर कॉन्क्रीट पेमेंट इज द, ओके ओके ठीक है, इज द रेशियो ऑफ द अर्थ थिकनेस, रेशियो ऑफ द अर्थ थिकनेस इज। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, सिचुएशन क्या होती है, जो बी बाई एच होता है वो उसने 1.5 दे रखा है, मतलब कि बी बाई एच का रेशियो तो चलो वो दे ही रखा है उसने। मुझे अभी भी कुछ डेटा इसमें लग रहा है अनकम्प्लीट लग रहा है, मैं चेक कर लूँगा अभी क्वेश्चन। फिलहाल पहले मैं बता दूँ आपको कि अगर आपका जो ये सिचुएशन है ए, एक होता है आपका रेडियस ऑफ वी लोड करके होता है, तो उसकी वैल्यू अगर आपका ग्रेटर देन होती है 1.724, एक सिचुएशन ये बनती है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता हो रहा होगा, एक सिचुएशन ये बनती है, और एक सिचुएशन बनती है ए इज लेस देन 1.724। ठीक है ना, एक सिचुएशन ये बनती है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, कुछ डेटा मिस तो नहीं है। ओके ओके ठीक है ठीक है, सही है क्वेश्चन कुछ और है। ठीक है ना, इसमें डेटा सही है भाई। देखो क्या है, किसने तो आपके 1.83 से तुक्का मार रहे हो, तुक्का एक भाई साहब जवाब कर रहे हैं, पता नहीं कैसे आया। ठीक है ना, ऐसा नहीं है भाई आंसर, पहले तुम्हें फॉर्मूला ही पता नहीं लग रहा है फॉर्मूला क्या होगा। देखो मैंने चेक कर लिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। देखो क्या पूछ रहा है और क्या निकालना है, ध्यान से समझना। बोल रहा है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ कॉन्क्रीट पेमेंट इज द रेशियो ऑफ थिकनेस इज 1.5। देखो मैं बता देता हूँ, इसमें सबसे पहले टर्म्स ये है सर, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, तो यहां पर मैं इसको गलत पढ़ रहा था क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब अब मुझे समझ आ गया क्या बोल रहा है। ये एल होता है सर, और एल को बोलते हैं रेडियस ऑफ, मैं लिख देता हूं यहां पर एल का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ, लिख ही देता हूं मैं यहां पर, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, इसको बोलते हैं आप क्या, एल, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं इसको, आज पढ़ाऊंगा मैं आपको, एल से डिनोट करते हैं। और एल इज इक्वल टू, अगर आपको याद होगा रिजिड पेमेंट में हम लोग इसको पढ़ते हैं, वो होता है ई एच क्यूब अपॉन 12K 1 माइनस म्यू का स्क्वायर का होल पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1/4। शायद आप लोगों में से पढ़ा हो किसी ने, क्या बोला मैंने फिर से, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, जब आप रिजिड पेमेंट की डिजाइन की बात करते हैं तो वो जो स्टिफनेस है रोड की वो उसके थिकनेस पर डिपेंड करेगा, दिस इज एच इज द थिकनेस, ई उसका इलास्टिसिटी पर, इज द इलास्टिसिटी ऑफ द कॉन्क्रीट, के वहां पर स्टिफनेस कोफिशिएंट उसको बोलते हैं, म्यू क्या होगा बताओ, पॉइजन रेशियो, क्योंकि कंक्रीट से बना है तो कंक्रीट का पॉइजन रेशियो लेंगे, और कंक्रीट का पॉइजन रेशियो कितना होता है सर, 0.1 से लेकर 0.2, दैट मींस 0.15 जनरली एवरेज लेते हैं। तो ये इसी को बनाकर एक फॉर्मूला बनाया है इन लोगों ने, तो यही कह भी रहा है कि सर रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस L1/L2 का जो रेशियो है, ये लिखा है उसने दो अलग अलग स्टिफनेस का, वो बराबर है इसके थिकनेस के रेशियो के, और वो कितना है,
1.5, ठीक है ना। लेकिन सवाल ये है ना कि इतना आसान नहीं है, ये ऐसा डायरेक्टली नहीं लिख सकते, क्योंकि दोस्तों हमको इस फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, तो आप बोलेंगे सर L इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, L इज इक्वल टू व्हाट, L इज इक्वल टू, सॉरी L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H की पावर, बोल सकते हो क्या? तो यहां से आप ये बोल सकते हैं, इसको हटा दो अभी आप, फिलहाल आप ये बोल सकते हैं कि L1 अपॉन L2 दिस इज इक्वल टू H1 अपॉन H2 की पावर 3 क्या? अब सवाल में ये आपको दे रखा है क्या, H1 अपॉन H2 दे रखा है, आप मानते हो कि नहीं मानते हो? कितना दे रखा है? 1. बस हो गया काम खत्म। तो आप सीधे बोलेंगे कि 1.5 का क्यूब, तो इतना तो अब आप गुणा कर ही लोगे, 1.5 गुणा 1.5 गुणा 1.5, तो लगभग लगभग कितना आना चाहिए बताओ, बोलो, अब तो दिमाग लगा सकते हो। तो वन की सीरीज में तो वैसे भी नहीं आएगा भाई, तीन बार गुणा करोगे तो एक गुणा, अब डेढ़ भी छोड़ो आप, एक गुणा कितना हो जाएगा, वो भी 1.5 है, वो तीन तीन तो ऊपर ही आना है, ठीक है ना। तो वो मैंने अंदाजे से बता दिया, लेकिन गलत हो रहा है जी, गुरु जी गलत हो गया, आपकी प्रिडिक्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गई। करके देखो जरा, आंसर चेक करो जरा, क्या पता डी आ रहा हो, क्योंकि मेरे दिमाग में डी ऑप्शन चल रहा है भाई। करना जरा कैलकुलेटर में करो, कहाँ गया, सही आ रहा है, मतलब डी आ रहा है या बी आ रहा है? है ऐसी बात है, चलो फिर तो तरीका समझे आप क्या हुआ है। तो ये वाला आपका क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि भाई इस बार, ये तो चलो ठीक है 2018 में आया, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, L इज इक्वल टू ई एच क्यू अपॉन 12 के 1 माइनस म्यू का स्क्वायर, है ना, यही था, और बाहर से क्या कर देंगे 1/4। तो बहुत सारा खेल खेलता है इस फॉर्मूले में, ये क्या कर देगा, ई के रिस्पेक्ट में दे देगा, म्यू के रिस्पेक्ट में देगा, कुछ भी कर सकता है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 11वें क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सब बेस लेयर इन द पेवमेंट। सवाल यह है कि सब बेस लेयर की बात हो रही है, बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सब बेस लेयर इन द पेवमेंट। अच्छा बताओ, पेवमेंट में सब बेस लेयर था, तो मैंने आपको जिस दिन सारे के सारे लेयर बताए थे तो उनका कुछ ना कुछ काम भी बताया था, थोड़ा थोड़ा करके, ज्यादा नहीं जितनी जरूरत थी। 2019 में आ रखा है, बताइए सब बेस लेयर जो है आपकी, उसका फंक्शन क्या है। सब बेस लेयर आप जानते हो ना कौन से लेयर को बोलते हैं, नीचे से कौन से लेयर हो जाती है वो, दूसरी सेकंड लेयर ना, सब बेस कोर्स भी जिसको कहते हैं, सॉइल सबग्रेड के बाद सब बेस कोर्स, फिर बेस कोर्स, फिर सरफेस कोर्स। तो बताइए यार, ज्यादा टाइम ना लो, बोलो पढ़ो इसको। पहला ऑप्शन है सर, टू प्रोवाइड द स्मूथ एंड यूनिफॉर्म सरफेस फॉर राइडिंग, इसमें राइडिंग करते हो आप, टू प्रोवाइड द स्किड रेजिस्टेंस सरफेस, बोलो क्या ये सही है, टू रेजिस्ट द एब्रेसिव फोर्स टू ट्रैफिक, ये सही है, या टू मिनिमाइज द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ फ्रॉस्ट एक्शन। अरे भाई साहब यही है, ठीक है, ट्रैफिक का डायरेक्टली इफेक्ट कहाँ पड़ता है भाई, सब बेस लेयर में, जो आप सीधे उस पर जा रहे हो सी ऑप्शन पे। एब्रेसिव, एब्रेशन का मतलब है वियर और टीयर, सीधे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट कहाँ होता है, कैसे बोल देते हो, हाँ बोलो, ठीक है ना। तो ये है, टू मिनिमाइज द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द फ्रॉस्ट एक्शन, ठीक है, फ्रॉस्ट मतलब इन्वायरमेंटल जो भी कंडीशन होती है, द राइजिंग सॉरी रेजिंग आउटर ऑफ, ये तो तुम्हारा उसका क्वेश्चन आ गया, लेकिन फिर भी आप जानते हैं इसका जवाब, बोलिए, द रेजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू इनर एज इज नोन एज, तुरंत जवाब दो, देखो क्या क्या बोलते हैं इसको, तुरंत जवाब दो, यस। तो आप बोलेंगे सर ये तो सुपर एलिवेशन है सीधे, इतना क्यों रुकना है, तो आप बोलते हैं आउटर एज को इनर एज के रिस्पेक्ट में तो सुपर एलिवेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2020 में आया था एक क्वेश्चन, और कुछ ही दिन पहले पढ़ा आपने, ये आजकल ही पढ़ा है, द इंटरफेस ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू प्लग, प्लग शब्द का मतलब इंटरलॉक से होता है, प्लग इन द वॉइड्स ऑफ पोरस सरफेस एंड टू बॉन्ड लूज पार्टिकल इन बिटुमिनस पेवमेंट इज कॉल्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये घुमा के आ रखा है, लैंग्वेज समझने में दिक्कत कर सकता है, इसलिए बहुत अच्छे से सवाल को पहले पढ़ो,
जवाब करो, हैं? सवाल को पहले ध्यान से पढ़ो फिर जवाब करना। इंटरफेस ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू प्लग इन द वॉइड्स ऑफ पोरस सरफेस एंड टू बॉन्ड लूज पार्टिकल इन बिटुमिनस पेवमेंट इज कॉल्ड बिटुमिनस पेवमेंट। बोलो। सबसे पहली बात तो आपको जो कन्फ्यूज हो रहा है, जो तुम जो गलत आंसर कर रहे हो पूर्ण तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ, वो इसलिए कर रहे हैं, मैं समझ गया कि आपके दिमाग में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम बिटुमिनस पेमेंट पढ़ ही नहीं रहे हो, तुम समझ रहे हो बिटुमिनस लेयर है ये। बिटुमिनस पेमेंट का मतलब कन्फ्यूज मत हो, ये पूरे रोड की बात कर रहा है, इससे कन्फ्यूज मत हो। अब पढ़ो ध्यान से, ये फ्लेक्सिबल पेमेंट लिखा है ये समझ लो आप, बिटुमिनस नहीं लिखा है ये छोड़ो आप, ये लिखा है फ्लेक्सिबल पेमेंट, क्योंकि फ्लेक्सिबल पेमेंट को ही क्या बोलते हैं, बिटुमिनस पेमेंट कहते हैं। अब पढ़ो। द इंटरफेस ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू प्लग इन द वॉइड्स ऑफ पोरस सरफेस एंड टू बॉन्ड लूज पार्टिकल। लूज पार्टिकल है इसका मतलब ये नीचे की बातें हो रही है, मिट्टी से जुड़ी हुई बातें हो रही है, ऊपर तो आया नहीं है, ठीक है ना। और पोरस सरफेस की बात हो रही है तो ये एग्रीगेट और सॉइल की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपका सील कोड तो होगा नहीं है, ठीक है ना, सील कोड तो वैसे भी नहीं होगा ये। अब बताओ टैक कोड और प्राइम कोड में से बताओ। प्राइम कोड जब मिट्टी की बात हो गई है तो नीचे की बात हो रही है, ये आपको पता है कि ये किसको कर रहा है ऐड, ये कर रहा है तुम्हारा सब बेस कोर्स को, और किसको, सब बेस कोर्स और दूसरा कौन सा सर, बेस कोर्स भूल गए सब। तो यहां पर ये जो लेयर बिछाई थी ये कौन सी थी, प्राइम कोर्ट। प्राइम कोर्ट के ऊपर क्या लगता है, बेस कोर्स और सब बेस कोर्स के बीच में हमने देखा था प्राइम कोर्ट, एक होता है सर प्राइम कोर्ट सबसे निचले लेयर में, फिर लगता है उसके ऊपर क्या, ट्रैक कोर्ट, और फिर लगता है लास्ट में सील कोर्ट। अगर देखा जाए तो सबसे हायर विस्कोसिटी किसका है, सील कोर्ट का, सबसे गाढ़ा गाढ़ा ये लगेगा, फिर ट्रैक कोर्ट, और सबसे प्राइम कोर्ट सबसे सबसे कम विस्कोसिटी का, बिल्कुल पानी की तरह है। तो यही तो है वो लेयर जो दो इंटर मोस्ट लेयर के बीच में जो इंटरकनेक्टिविटी देगा, तो यही है वो प्राइम कोर्ट था आंसर। नेक्स्ट आते हैं 2019 में एसएससी में, व्हाट नेचर ऑफ वार्पिंग स्ट्रेस आर जनरेटेड इन अ रिन्फोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट ड्यूरिंग अ समर मिड डे। सवाल सबसे पहली बात तो ये हो रही है समर मिड डे की बात हो रही है, और ये कह रहा है कि वार्पिंग स्ट्रेस, ठीक है ना, अलग अलग स्ट्रेस का अलग अलग नेचर होता है, तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा वही इसका जवाब कर पाएगा, क्योंकि वार्पिंग स्ट्रेस वो तो मैं आप पढ़ाऊंगा आज आपको। वार्पिंग स्ट्रेसेस का नेचर जो होता है दोस्त, सीमेंट कॉन्क्रीट रोड की बात हो रही है और समर डे की बात हो रही है, समर की बात हो रही है मतलब, और वो भी मिड डे में। बोलो। है टेंसाइल इन द बॉटम फाइबर एंड कंप्रेसिव इन द टॉप फाइबर, कंप्रेसिव इन द बोथ टॉप एंड बॉटम एंड टेंसाइल इन द बोथ टॉप एंड बॉटम। कंप्रेसिव इन द बोट बॉटम एंड टेंसाइल इन द टॉप, ठीक है, जवाब करो भाई, नहीं तुम्हें पता ना, कोई बात नहीं पता हो जाएगा एक दिन। तो बॉटम में भाई टेंसाइल होता है जब वार्पिंग स्ट्रेस की बात करते हैं, और कंप्रेसिव हो जाएगा टॉप में, क्यों होता है कैसे होता है वो तो हम आज पढ़ाएंगे ही, ठीक है ना, तो टेंशन ना लें। हालांकि जिन लोगों ने तुमने पढ़ा होगा भाई तो जानते होंगे इसके बारे में। खैर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 15वें क्वेश्चन पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुटेबल या बेस्ट सिचुएटेड फॉर द कॉम्पैक्शन ऑफ कॉन्क्रीट इन रिजिड पेमेंट। ये कह रहा है कि रिजिड पेमेंट आप बनाते होंगे, किससे बना रहे हैं, कॉन्क्रीट से, क्या क्या हर एक कॉन्क्रीट में आप यूज करते हैं किसी न किसी कॉम्पैक्शन के लिए कुछ मशीन का, पहले तो आप नॉर्मली तो कुछ खुद भी कर लेते हैं कई लोग, अब आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ वाइब्रेटर्स का मदद कर रहे हैं, जैसे कॉन्क्रीट का सरफेस पड़ रहा है नया नया ताजा ताजा, ये कोई छत पड़ रहा है, अभी तो खैर आपके रोड की बात हो रही है, तो आपको क्या करना जरूरी हो जाता है यहाँ पर, बोलो क्या करना, ये कंक्रीट पड़ रहा है कॉम्पैक्शन करते हो ना, क्यों करते हो आप कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन करने से क्या होता है, डेंसिटी बढ़ जाती है, कैसे, कंक्रीट में कॉम्पैक्शन इसलिए किया जाता है क्योंकि जो उसके एयर वॉइड्स हैं पोर्स नहीं होने चाहिए, उसमें हवा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका जितना कॉम्पैक्शन होगा तो एयर वॉइड्स हटा देंगे। बीएमसी में हम लोग ये पढ़ेंगे बहुत अच्छे से एक टॉपिक कॉम्पैक्शन, और हम जानते हैं कि अगर आपका केवल 5% भी, फिर से कह रहा हूँ कि केवल 5% तो छोड़ो आप, 102% भी अगर आपका केवल वॉइड्स होते हैं तो वो बहुत बड़ा 20 से 30% की स्ट्रेंथ घटा देता है,
जो डेंसिफाई होती है कंक्रीट की वो हटा देता है। खैर इसमें हम बीएमसी का टॉपिक है ये कॉम्पैक्शन। फिलहाल हमें रिजिड पेमेंट में कौन सा वाइब्रेटर यूज करना है, तो इसको बोलते हैं स्क्रीड बोर्ड वाइब्रेटर, उसको कहते हैं क्या बोलते हैं स्क्रीड बोर्ड। यहाँ पर जैसा हम नॉर्मली जो हमारा स्लैब वलैब पड़ता है वो वाला नहीं, स्क्रीड बोर्ड वाइब्रेटर उसको कहते हैं। ध्यान रखना, अच्छा ऑब्जेक्टिव है ये, इसको अपने नोट्स में ऐड कर देना, स्क्रीड बोर्ड वाइब्रेटर, ठीक है ना, आ रखा है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं डायरेक्टली जो सीधे याद करने होते हैं, कर लो यार। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिटिकल पैरामीटर टू कंट्रोल द क्रैकिंग एंड रटिंग इन अ फ्लेक्सिबल पेमेंट, कौन बताएगा मुझे? क्या हमने पिछले ही क्लास में आपको बता रखा है कि सर जब हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करते हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करते हैं, तो वहां पर तीन तरह के फेलियर होते हैं, बताओ। पहला वन, पहला फटिक फेलियर, फटिक क्रैकिंग, दूसरा था कौन सा, थर्मल, तीसरा था सरफेस रटिंग। लेकिन सवाल यहां पर यह है, Which one of the following is not the critical parameter to control the cracking and rutting in the flexible payment? नहीं है जो, जो नहीं है तो वो बताना है, बताइए पैरामीटर जो नहीं है कहाँ गया। इसमें से आपका क्या होता है कि इसको बोलते हैं वर्टिकल सब बेस स्ट्रेन, उसको बोला जाता है, वो ये होता है ऐसा कि ये लेयर है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको रटिंग का मतलब समझा देता हूँ, जो कि तुम्हें पता भी होगा। ये सरफेस रटिंग जो है ये फेलियर है, पहली बात तो सरफेस रटिंग फेलियर है। और ये किसका फेलियर है, तुम सब लोग जानते हैं किसका फेलियर है, ये फ्लेक्सिबल या रिजिड का, फ्लेक्सिबल पेमेंट का फेलियर है। और ये क्या होगा कि कभी अगर ये सॉइल सबग्रेड जो सबसे नीचे की लेयर है, ये सॉइल सबग्रेड है, इसमें अगर आपको कभी सेटलमेंट दिखता है सॉइल का, तो ये आपका सारे के सारे सब लेयर में क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। इसी फेलियर को कहा जाता है सरफेस रटिंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो आपके क्रिटिकल पैरामीटर के तौर पर गिने जाते हैं। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है सरफेस के पास, ठीक है ना, किनारे पर कितना है, ठीक है ना, या व्हील लोड के जो एजेज है वहाँ पर कितना है। तो एक पैरामीटर ये हो जाता है इस सरफेस रटिंग को देखने के लिए, क्रैकिंग को जानने के लिए। एक आपके पास वर्टिकल सबग्रेड स्ट्रेन होता है, ध्यान रखिएगा सब बेस वाला नहीं होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा पैरामीटर ये वाला होता है वर्टिकल सबग्रेड स्ट्रेन, मतलब कि ये वाला जो खिंचाव है यहाँ पर स्ट्रेन, वर्टिकल स्ट्रेन मतलब मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ये वाला स्ट्रेन कुछ ऐसा, इतना स्ट्रेन, ठीक है ना ये। तीसरा है टेंसाइल स्ट्रेन एट द बॉटम ऑफ बिटुमिनस लेयर, बिटुमिनस लेयर मतलब ये टॉप वाला, उसका वर्टिकल जो स्ट्रेन होगा टेंसाइल स्ट्रेन जो होगा, तो ये वाला नहीं लेते हम। जिन लोगों ने पढ़ा होगा थ्योरी तो वो साफ साफ दिख जाएगा कि ये तो कहीं डिस्कस करते ही नहीं है, ठीक है ना, तो वो नॉट ही कहा था उसने, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारे 17वें क्वेश्चन पर, 17 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 2020 में आ रखा था। तो स्टेटमेंट तरह के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, अब इनसे डरने की जरूरत नहीं है बल्कि इनको पढ़ने की जरूरत होती है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है इनमें, लेकिन अगर आपकी नॉलेज है मतलब कि आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो सबसे करेक्ट होने के चांसेस भी नहीं के होते हैं, समझ रहे बात को। लेकिन थ्योरी अच्छी होनी चाहिए, आपकी पकड़ होनी चाहिए। देखिए जैसे पढ़ते हैं, पढ़ो जरा स्टेटमेंट फर्स्ट, बोलो। लेकिन किसके रिगार्डिंग हो रही है, एस वन एस टू तो दो स्टेटमेंट है, एक एस वन है और एक एस टू है, किसके रिगार्डिंग है बोलो। परटेनिंग टू रोड भाई, पेमेंट, पेमेंट के रिगार्डिंग कुछ बातें लिखी हैं तो पढ़िए, बोलो। प्रेजेंट है, क्या लिखा है, प्रेजेंट सर्विसबिलिटी इंडेक्स इज यूज्ड फॉर द फंक्शनल एवेल्युएशन ऑफ पेमेंट सरफेस कंडीशन। दूसरा बोला है कि रिजिड पेमेंट आर लेस इफेक्टेड बाय टेम्परेचर वेरिएशन देन फ्लेक्सिबल पेमेंट, ऐसा क्या। दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ो, पहले छोड़ो, पहले तो वैसे ही तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा क्या लिखा है, लेकिन दूसरे को तो आप जानते हो ना, अच्छे से, बहुत अच्छे से जानते हो ना क्या बोल रहा है, रिजिड पेमेंट आर लेस इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, गलत बात नहीं है। रिजिड पेमेंट तो आपका कॉन्क्रीट का पेमेंट है, उसमें टेम्परेचर इफेक्ट ज्यादा होगा, तो ये तो सादा सीधे क्या मिल गया आपको, गलत मिल गया, फॉल्स मिल गया, क्या मिल गया। अगर आप देखें स्टेटमेंट को पढ़ें, उसके बाद मैं इस पर भी आऊंगा, टेंशन ना लो,
आपका आंसर ये भी नहीं है, दूसरे वाले को देखो ये भी नहीं है, तीसरे वाले को देखो, तीसरे वाले को छोड़ो, इसको देखो, तीसरे और चौथे में भी कंफ्यूजन हो गया है ना, ये दो तो वैसे एलिमिनेट कर दिया आपने। अब देखो इस पे आते हैं, परसेंट सर्विसबिलिटी इंडेक्स इज यूज फॉर द फंक्शनल एवोल्यूशन ऑफ पेमेंट सरफेस कंडीशन। बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है। ये क्या कहना चाह रहा है, मैं इसको हिंदी में समझा रहा हूँ कि किसी भी पेमेंट जो सरफेस की कंडीशन है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपने कोई रोड बनाया है, कोई रोड बनाया है, इस रोड का जो टॉप सरफेस है, ये है ना टॉप सरफेस, पेमेंट सरफेस है ये कि नहीं है, तो इस पेमेंट सरफेस से देखते हुए आप एवेल्युएट कर सकते हैं कि ये कितना साल का सर्विसबिलिटी इसका और है। क्या बात सही है, बिल्कुल सही है। ये परसेंट सर्विसबिलिटी है इंडेक्स, आपको वहां से भी चेक हो जाएगी उसके रोड के सर्व, भाई गवर्नमेंट रोड में पैचिंग वर्क करवाता है किस बेस पे कराता है, जब उसके गड्ढे वगैरह देखते हैं। आपने एक टर्म्स भी उसके लिए पढ़ा है, क्या बोलते हैं उसको, अनइवननेस इंडेक्स। अगर आपका रोड सरफेस बढ़िया है और सरफेस कंडीशन के हिसाब से आप एवेल्युएट कर सकते हैं उसी से, बिल्कुल सही बात है। फंक्शन होगा कि नहीं होगा, गलत बात है क्या ये, फंक्शन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप बोलेंगे कि अगर किसी रोड की सर्विसबिलिटी चेक करनी है माना, तो ये किसका फंक्शन है सर, उसके रोड की सरफेस की कंडीशन, तो क्या है गलत या सही, बिल्कुल सही है। ऐसे तो घुमा फिरा कर आपसे पूछता है और जानबूझ के आपसे खेलता है और आप जो है इस खेल में फंस जाते हो, तो कहने का मतलब है सर ये ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कुछ नहीं है, बस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत गहनता से पढ़ना है, तो आपका आंसर करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहता है इनमें। चलिए जी नेक्स्ट पढ़ो जरा, 2021 में, 2021 2021 एसएससी का क्वेश्चन है। देखो फिर से आपका स्टेटमेंट बेस तो नहीं है, ये चारों को चारों पढ़ने पड़ेंगे बहुत तरीके से। बोलो, द ऑर्डर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ टिपिकल फ्लेक्सिबल पेमेंट फ्रॉम बॉटम टू टॉप, पढ़ो जरा। कहना ये चाह रहा है, मैं बता दूं आपको, ये कहना चाह रहा है कि बॉटम से लेकर टॉप तक आप पढ़ो किस प्रकार आप रोड को बनाते हैं, पढ़ो। पहला वाला सही लग रहा है, पहला वाला पढ़ लेते हैं चलो। प्रिपेयर्ड सॉइल सबग्रेड ग्रेनुलर सब बेस कम ड्रेनेज लेयर ग्रेनुलर बेस कोर्स बिटुमिनस बाइंडर और सरफेस, मुझे भी यही लग रहा है ना, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पहली लेयर को आप बोलते थे सॉइल सबग्रेड, सबको पढ़ा रखा मैंने, उसके बाद होती थी जीएसबी लेयर, क्या ग्रेनुलर सब बेस या सब बेस कोर्स लिखा है बस ने, उसके बाद होता था ग्रेनुलर बेस कोर्स और लास्ट में होगा बिटुमिनस बाइंडर कोर्स या सरफेस कोर्स। तो बिल्कुल करेक्ट जवाब है भाई, तो ए ऑप्शन। तो बताओ कुछ इतना बड़ा स्टेटमेंट देखते हुए घबराने की जरूरत थी, बिल्कुल नहीं थी। 2018 में एसएससी में आ रखा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और ये क्या है कि आपके पास इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रजिस्ट्री, ये रिजिड पेमेंट का क्वेश्चन है भाई, हालांकि आप लोगों में से नहीं पढ़ा होगा, कुछ लोगों जो लोग जवाब कर सकते हैं कर सकते हैं आप। पहले देर क्या रखा है पहले वो लिखेंगे, फिलहाल आप जवाब करो पहले, क्या दे रखा है भाई। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ द रजिस्टिंग सेक्शन, हमको निकालना क्या है, 20 क्या दे रखा है जी। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रजिस्टिंग सेक्शन ऑफ 20 सेंटीमीटर स्लैब, ये थिकनेस दे रखा ना, एस दे रखा होगा। इफ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ वी लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू द थिकनेस ऑफ स्लैब, चलो पहले एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि ये जो दे रखा है, इफ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ वी लोड, क्या होता है जब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ, ये ए होता है जिसको बोल रहे हैं हम, ए होता है दोस्त रेडियस ऑफ वी लोड, रेडियस ऑफ वी लोड को बोलते हैं ए, और थिकनेस को हम क्या बोलेंगे, थिकनेस ऑफ स्लैब जो है हमारी एच से डिनोट होती है। तो पहले तो मैं यही लिख देता हूं आपके लिए कि सर ए अपॉन एच का जो वैल्यू दिया है ये कितना दिया है, 2 दे रखा है, ठीक है। दूसरा चीज क्या दे रखा है उसने, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ द रजिस्टिंग सेक्शन ऑफ 20 सेंटीमीटर स्लैब, देखो क्या होता है,
कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन, इतनी जो शब्द लिखा है यहाँ से लेकर देखो यहाँ से इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन, तो ये जो चीज होती है इसको हम डिनोट करते हैं बी से, ठीक है, बी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर दो कंडीशन होती है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपके पास दो कंडीशन होती है। पहला कंडीशन, जब आपका बी क्या होता है, ग्रेटर देन होता है 1.724 ऑफ एच से, तो इस दौरान आपको देखना होता है फिर कि क्या ये सच है या गलत। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कोरिलेट करना होता है, अगर ये सिचुएशन हो जाए, अब देखो यहाँ पर 1.724 का मल्टीप्लाई करो एच से, एच से मल्टीप्लाई करो, जरा बोलो एच कितना है, एच दे रखा उसने, नहीं दे रखा ना, तो मान लेते हैं एक मिनट के लिए इसके लिए क्या होता है, इस सिचुएशन के लिए हमारा बी तुरंत ए के बराबर हो जाता है, इस सिचुएशन क्या होता है, बी ए के बराबर हो जाता है। फिर तो हम बोलेंगे सर B इज इक्वल टू, जब A हो रहा है और अगर मैं A अपॉन H करूं, ठीक है ना, तो आप सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि B इज इक्वल टू, क्योंकि A अपॉन H की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो सीधे सीधे 2 इंटू एच का वैल्यू उसने 20 दे रखा है और ये हो जाएगा 40। ऐसा कैसे कहा मैंने, क्योंकि दोस्तों 20 सीधे सीधे हो जा रहा है A के बराबर। ये चीज़ समझ आया नहीं आया, नहीं आया होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, देखूँ सबसे पहले बात तो ये होती है सिचुएशन ये वाली, जब बी आपका ग्रेटर देन होता है 1.724 ऑफ एच, तो बी आपको सीधे ए के बराबर ले लेना है। तो हमने कहा कि बी ए, अब क्योंकि क्या था, हमें ए पता नहीं है, सीधे ए पता नहीं है ना, हमें क्या पता है, रेडियस ऑफ वी लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू दी थिकनेस ऑफ स्लैब, हमें किसका बात पता है, ए अपॉन एच की बात पता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर अगर देखा जाए तो बी ए के बराबर है और ए अपॉन एच किसके बराबर है, बोलो हैं, बोलो जी, ए अपॉन एच किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो आप ए निकाल सकते हो सर, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो 2 इंटू एच, और क्योंकि दोनों ही बराबर हैं, बी भी बराबर है, ए भी बराबर है इस सिचुएशन के लिए, तो सीधे सीधे 2h लिख सकते हैं, और h की वैल्यू कितनी है सर, स्लैब की थिकनेस 20 उसने दे रखी है, तो वो कर दिया आपने, तो सीधे सीधे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये आप पहली बार कर रहे हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको समय लगाया है, लेकिन जिनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है, ये है क्वेश्चन। हालांकि इसमें एक और सिचुएशन बनती है, जब आपका बी नीचे होता है 1.724 ऐसे, उसकी जरूरत नहीं है अभी, उसको मैं थ्योरी में पढ़ा दूंगा। आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन में, जवाब करो। ज्योमेट्री और ट्रैफिक से क्वेश्चन हो गया है क्या सर, बिल्कुल हो गया है, प्लेलिस्ट में नहीं दिख रहा है, नीचे देखते चलो, लाइव में ही देख लेना। इन द सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट टाई बार आर इंस्टॉल्ड इन, पीछे ही बताया था आपको, क्या आज ही बताया कि हाँ, तो दो चीजें आपको हमेशा के लिए याद रख देनी है, ये समझो कि आपके ये दो क्वेश्चन पक्के हो जा रहे हैं आज की क्लास से। मैंने कहा था ई डी और दूसरा क्या था, क्या एल टी, ई फॉर एक्सपेंशन ज्वाइंट, ई फॉर एक्सपेंशन ज्वाइंट और डी फॉर डोवेल बार, डोवेल बार यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, डोवेल बार, और L फॉर लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट, लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट। तो बहुत सारी चीज़ें याद भी करने की होती हैं, T फॉर टाई बार, एक बार तो पहले पढ़ लो, उसके बाद अपने कुछ इलीगल इलीगल तरीके याद करने के बना दो, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट इज करेक्ट, B D ऑप्शन। तो ये थी कहानी आपकी 20वें क्वेश्चन की। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 21वें क्वेश्चन में, अब ये तो भैया आपका ताज़ा ताज़ा है अभी, आजकल का, आजकल ही का है ये। एक टर्म्स पढ़ाया था मैंने आपको कुछ दिन पहले ही, क्या पढ़ाया था, रिजिडिटी फैक्टर आर एफ, दिस इज व्हाट, कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर, या उल्टा कर रहे हो, यही था या उल्टा था, उल्टा है, टीपी अपॉन सीपी तो नहीं था,
देख लो, तो कांटेक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता था, मैंने कहा था कि अगर टायर प्रेशर, ध्यान से सुनो, यहाँ पर कहानी ये थी कि सर अगर आपका टायर प्रेशर टीपी लेस देन 0.7 MPa होगा, एमपीए मतलब मेगा पास्कल, तो हम क्या बोल रहे थे, रिजिडिटी फैक्टर क्या होता है इस दौरान, क्योंकि ये कम है तो ये आपका बढ़ते हुए दिखेगा, आर एफ इज ग्रेटर देन, ठीक है। हमने कहा कि टायर प्रेशर ये बराबर हो जाएगा किसके, 0.7 MPa के, तो हमने कहा कि रिजिडिटी फैक्टर दोनों बराबर हो जाते हैं, तो हम बोलेंगे सर ये हो जाएगा 1। कुछ याद आ रहा है, मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ाया आपको कि सर जब टायर प्रेशर लेस देन 0.7 MPa होता है तो टायर जो मटेरियल होता है अंडर कंप्रेशन या अंडर टेंशन, टायर मटेरियल किस में होगा, कंप्रेशन में आ जाता है, और अगर इससे ज़्यादा होता है तो अंडर टेंशन आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन है एग्जाम के, तो आप देख रहे हो एग्जाम के, मेरे कहने से थोड़ी देखो, सब एग्जाम आ रहा है। तो टायर प्रेशर इज ग्रेटर देन 0.7 MPa, तो उस दौरान आपका आर एफ क्या होगा, टायर प्रेशर बढ़ गया, ये छोटा हो जाएगा तो छोटी आएगी वैल्यू, आर एफ लेस देन 1 हो जाएगा। तो ये है जी कहानी। तो यहाँ पर अभी टायर प्रेशर ग्रेटर देन की बात हो रही थी, और जब टायर प्रेशर ग्रेटर देन हो गया, दिस विल बी ग्रेटर देन, दिस इज ग्रेटर देन, सीपी विल बी लेस देन, आर एफ विल बी लेस देन 1, ये वैल्यू छोटी दिखते जाएगी आपको, लेस देन, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, लेस देन 1 होता दिखेगा आपको। तो ये आपको हमेशा याद रखनी है जी, आता ही यहाँ से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, 2007 में आ रखा है आईएएस में, तो ये हालांकि रिजिड पेमेंट का क्वेश्चन है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया यूज फॉर द ऑप्टेंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन फ्रॉम द प्लेट बियरिंग टेस्ट। जब मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन हम निकालते हैं, उसको के से डिनोट करते हैं दोस्तों, और प्लेट लोड टेस्ट करते हैं, आपने शायद सॉइल में पढ़ा हो, तो प्लेट लोड टेस्ट जो करते हैं हम, प्लेट बियरिंग टेस्ट जब हम निकालते हैं सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी चेक करने के लिए, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि वो जो डिफ्लेक्शन जो मेजर करते हैं वो स्पेशली स्टैंडर्ड होता है 1.25, जो प्रेशर हम मेजर करते हैं 1.25 क्या mm के प्रेशर पर निकालते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना, बी हो जाएगा, लिखा हुआ है साफ साफ, प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू सेटलमेंट ऑफ 1.25 mm। अरे समझ रहे हो क्या हो रहा है, समझने का मतलब है कि हम जब सॉइल पर प्लेट लोड टेस्ट करेंगे, प्लेट बियरिंग टेस्ट करेंगे, तो वो जो सॉइल का कितने पर, सॉइल का 1.25 स्टैंडर्ड है ये जो हमको याद रखना है, 1.25 mm के सेटलमेंट पर क्या प्रेशर लगा है उसी को हम ने कंसिडर करते हैं इस टेस्ट में, समझ गए बात को, 1.25 याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं है, ये सारी चीजें फर्जी हैं। तो 2200 क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022, बहुत करंटली क्वेश्चन है इंजीनियरिंग सर्विस का, और इस तरह के जो करंट क्वेश्चन होते हैं नए नए, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं एसएससी वगैरह में। बताइए, थिकनेस डिजाइन ऑफ पेमेंट मेनली डिपेंड अपॉन द, पेमेंट की थिकनेस डिजाइन करते हैं। आपने देखा भाई कितने सारे मेथड आपने देखे फ्लेक्सिबल पेमेंट के, जिनमें से आपने देखा GI वैल्यू मेथड देखा, आपने CVR मेथड देखा, और क्या देखा, ट्राइक्सल देखा, और कौन सा देखा भाई, बर्मिस्टर देखा, मैकल्यूड देखा, तो उन सभी मेथडों से आपने क्या क्या सीखा है, आज वो वक्त आ चुका है आईएएस 2022 का क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे। बताइए, 2022 का रखा है इंजीनियरिंग सर्विस, द थिकनेस डिजाइन ऑफ द पेमेंट मेनली डिपेंड अपॉन द, मेनली शब्द डाल दिया इसमें, ध्यान रखना जब मेनली शब्द आ जाता है तो फिर आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ती है, तो ध्यान रखिएगा। बताइए, थिकनेस की बात हो रही है, रोड का थिकनेस, और रोड की थिकनेस निकालना ही तो क्या कहलाता है जी, डिजाइन कहलाता है रोड का, रोड की डिजाइन कहलाती है, बात तो एक ही है। बोलो क्या जवाब करोगे, सोच समझ कर बताना। द पेमेंट मटेरियल, क्लाइमेट फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, या आपका डिजाइन व्हील लोड है, या सबग्रेड की सॉइल इंपॉर्टेंट है, बोलिए बोलो। डिजाइन क्या, डिजाइन वी लोड क्यों, थिकनेस डिजाइन ऑफ पेमेंट मतलब कि ये कह रहा है कि किसी भी पेमेंट के, सुनो ध्यान से, किसी भी पेमेंट की थिकनेस डिजाइन करनी है, कितनी करनी है, ज्यादा करनी है, कम करनी है, मेनली किस पर डिपेंड करता है, बताइए,
है। देखिए अगर ध्यान से देखें अगर आप, तो आप कंफ्यूजिंग हो रहे हैं सर। कंफ्यूजिंग होना बहुत भाई इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन है वो, और आजकल का क्वेश्चन है, तो कुछ तो तुम्हें दिमाग लगाने पे मजबूर करेगा ही। तो ये बात तो सच है क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन दिमाग में लग रहे हैं, है ना। देखो पेमेंट की मटेरियल पर भी कहीं ना कहीं आप बोलेंगे कि सर अच्छा क्वालिटी का मटेरियल लगा रहे होंगे, तो आप बोलेंगे सर थोड़ा थिकनेस कम भी कर दो। घटिया क्वालिटी का लगा रहे हैं तो भैया थोड़ा सा बढ़ाने पड़ेगी थिकनेस। क्लाइमेट फैक्टर आप बोलेंगे कहीं ना कहीं, क्लाइमेट फैक्टर तो आप बोलेंगे सर जहाँ बारिश बुरिश खूब ज़्यादा हो रही होगी तो वहाँ थिकनेस थोड़ा बढ़ाने की सोचेंगे, है कि नहीं। और जहाँ बारिशें कम हो रही होंगी या जहाँ पर क्लाइमेट सही है तो वहाँ पर कम कर सकते हैं। व्ही लोड डिज़ाइन, व्ही लोड डिज़ाइन, व्ही लोड का क्या कंसिडरेशन है। अब वी लोड का कहीं ना कहीं ये भी आप कह सकते हैं कि सर जहां पर वी लोड सीधे सीधे ट्रैफिक डेंसिटी से का आपको दिखा रहा है, तो उससे भी कोरिलेट हो रहा है। और लास्ट डी को देखे जाए तो वह है सब ग्रेड सॉइल, वह है सब ग्रेड सॉइल। तो मैं इसका जवाब बहुत ही मजेदार तरीके से करूंगा और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ करूंगा। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होती और मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कंसिडर किया होता तो दोस्तों आंसर इसका जो है सी हुआ है। कैसे हुआ है मैं बता दूं आपको। देखो वैसे तो सबग्रेड सॉइल भी हो सकता है आंसर, क्लाइमेट फैक्टर भी हो सकता है, पेवमेंट मटेरियल भी हो सकता है, लेकिन आप कहते हैं ना कि आजकल के एग्जाम कैसे बन रहे हैं, ऑप्शन सब है लेकिन उनमें से क्या कुछ ढूंढना है, सर्वोच्च ढूंढना है। तो मैं ढूंढता हूँ सर्वोच्च कैसे है। देखो सर्वोच्च कैसे है, देखो सबसे पहले हम तो बात करते हैं सबग्रेड सॉइल। सबग्रेड सॉइल की अगर बात किया जाए उसकी कैपेसिटी को चेक करने के लिए एक मेथड आपको बताया था, कौन सा मेथड। सबग्रेड सॉइल की कैपेसिटी को चेक करने के लिए आपको याद है कि जीआई मेथड करके सुना होगा आपने, ग्रुप इंडेक्स वैल्यू मेथड। तो वो क्या करता है, सबग्रेड जो सॉइल है उसी को तो कैपेसिटी चेक करता है। अरे करता है कि नहीं करता है। और आप कहते थे कि सर उसमें फिर आपकी एक कंडीशन होती थी अच्छी सॉइल गुड सॉइल, फिर कहते थे आप फियर सॉइल, वैसा क्वेश्चन आ रहा है वो मैं बता दूंगा सारा। फिर आप कहते थे सर वेरी पुअर सॉइल लास्ट में, फिर लास्ट में एक कंक्लूजन देते थे आप कि जितनी ज़्यादा सॉइल खराब होगी 20 के करीब जो जीआई वैल्यू होगी उसकी थिकनेस उतनी बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं इससे भी कोरिलेट हो रहा है, लेकिन सर नहीं। आज के बाद एक क्वेश्चन अगर कभी भी एग्जाम में दिखे तो दोस्तों आप ये ध्यान रखना है कि इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन था 2022 और यहाँ पर जो बोर्ड है यूपीएससी ने इसका आंसर जो है सी मार्क किया है, तो आप भी सी मार्क करना। सबसे बेस्ट किसको मानना आप, अब किसको मानना आप, सबसे पहले डिजाइन व्हील लोड को, ठीक है ना, डिजाइन व्हील लोड को। और डिजाइन व्हील लोड का मतलब ये सीधे सीधे कह रहा है कि सबसे सर्वोच्च जो फैक्टर है वो ट्रैफिक वॉल्यूम है, सॉरी ट्रैफिक डेंसिटी है। ट्रैफिक डेंसिटी किस लिए भी कहा गया होगा क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि ट्रैफिक डेंसिटी ही तो एक मेनली ऐसा फैक्टर है जिसके हिसाब से हमारी रोड भी तो क्लासिफिकेशन होती हैं। जैसे कि नेशनल हाईवे की रोड बना रहे हो तो उसकी थिकनेस अलग हो जाएगी, आप विलेजेस की रोड बना रहे हैं तो उसकी अलग हो जाएगी क्योंकि वहां पर ट्रैफिक डेंसिटी कम होगी या ज्यादा होगी। विलेज के एनएच के कंपेयर में विलेज में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही एचएस में एसएच में सर, इसलिए ये जो फैक्टर है सबसे बेस्ट डाला है यूपीएससी ने और इंजीनियरिंग सर्विस ने, इसलिए ध्यान रखना आज के बाद तो नहीं भूलोगे, ठीक है ना। तो प्राइमरी फैक्टर आपका व्हील लोड हो जाएगा, ध्यान रखना इसके बाद। तो जब आप क्वेश्चन करते हो तभी तो याद भी आता है एग्जाम में। अभी क्वेश्चन सीधा पर आप एग्जाम में देखते हैं, ये क्वेश्चन अगर मान लेते सीधे एग्जाम में देखते, मैंने ना पढ़ाया होता आज आपको तो कंफ्यूज हो गए थे और आनन फनन में कुछ ना कुछ गलती करके आते। वो तो आपकी किस्मत है कि तुक्का सही भिड़ जाता अगर कोई सी कर गया तो, लेकिन फिर भी गलत होने के चांसेस। लेकिन जब पढ़ के जाते हो आप तो यही क्वेश्चन जब फिर आ जाता है तो हो गया काम, ठीक है। तो यही फायदा होता है जी क्वेश्चन लगाने का, क्वेश्चन लगाने। तभी तो हम कहते हैं रोज चिल्लाते हैं कि एक बार थ्योरी पढ़ो साथ साथ क्वेश्चन जरूर करो, यही फायदा होता है क्योंकि इनडायरेक्टली तो आपको एक नंबर क्वेश्चन दे के ही आना है। द थिकनेस डिजाइन ऑफ द पेमेंट मेनली डिपेंड अपॉन द, अब देखो फिर से क्वेश्चन घुमा के आ रखा है, ये तो इंजीनियरिंग सर्विस 2019 में आ रखा है और इस तरह के क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रखे हैं, ये एसएससी वगैरह में आने के चांसेस रहते हैं। थिकनेस डिजाइन ऑफ पेमेंट मेनली डिपेंड्स अपॉन द सेंटर ऑफ द पैनल, एज ऑफ द पैनल, कॉर्नर ऑफ द पैनल या डोवेल बार बिटवीन द एजेस। इसमें ज्यादा घुमा नहीं रखा है, इससे सीधे जवाब कर सकते हो आप। बोलो क्या जवाब करोगे, तुक्का मारोगे, जय माता दी। थिकनेस डिजाइन ऑफ पेमेंट मेनली डिपेंड अपॉन द, थिकनेस का डिजाइन किसके हिसाब से करे,
इसका मतलब मैं समझा देता हूँ आपको। जो पैनल आपका उसके सेंटर के हिसाब से डिजाइन करते हैं। कैसा है मैं बता देता हूँ। थिकनेस डिजाइन ऑफ पेमेंट मेनली डिपेंड अपॉन द सेंटर ऑफ पैनल। पैनल का जो सेंटर होता है उसके हिसाब से हम डिजाइन करते हैं। हालांकि अभी जब हम रोड की बात करेंगे भाई, ऐसा इसलिए भी है, सेंटर ऑफ पैनल का मतलब क्या है भाई, हम क्या मानते हैं, जब हम रोड का डिजाइन करेंगे तो हमारा मेजरली मैक्सिमम ट्रैफिक जो होता है वो हमारा इस जोन में होता है, इस जोन में होता है। ये तो तुम्हारा ये रोड है, माना रोड की मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे ज्यादा हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा सबसे ज्यादा जो है ट्रैफिक डेंसिटी और ट्रैफिक जो वॉल्यूम रहेगा, या ट्रैफिक डेंसिटी बोलेंगे हम सीधे सीधे, तो वो हमारा सेंटर पैनल के सेंटर में ज्यादा रहती है। इफेक्ट मतलब का व्हील लोड का इफेक्ट जो रहेगा सबसे ज्यादा सेंटर में रहेगा एज पर। हालांकि ये अगर रिजिड पेमेंट की बात करेंगे तो रिजिड पेमेंट में तीन जोन पर हम कंसिडर करते हैं। फिर मैं बता दूं आपको, एक सेंटर जोन, एक सॉरी एक कॉर्नर जोन होता है, एक आपका इंटीरियर जोन होता है, एक एज जोन होता है। तो वो खैर अलग बात है, लेकिन आप क्या करेंगे यार, यहाँ पर अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सेंटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, घुमा के आ रख घुमा के नहीं है, ये 2015 का है, लेकिन ये SSC में भी आ रखा था शायद, मेरे ख्याल से 18 या 19 में आ रखा है यही वाला। ऐसा हमेशा होता है भाई, इंजीनियरिंग सर्विस के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपका 2022 का पेपर हुआ होगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन सीधे आपको SSC में दिखेंगे जो मॉडरेट लेवल के होते हैं। ऐसे ही होता रहता है, इसलिए इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन लगाने भी जरूरी हो जाते हैं एक टर्म के बाद। कंसिडर द फॉलोइंग इन द रिलेशन टू ग्रुप इंडेक्स ऑफ द सॉइल। बोलिए, ग्रुप इंडेक्स ऑफ द सॉइल, ये ऑफ है। ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू याद है, मतलब फॉर्मूला याद है, किस किस को याद है, सबको याद है, तो बताइए ग्रुप इंडेक्स के फॉर्मूले में। अब आप दिमाग में बैठाओ, आपको याद है या नहीं है। ये तो रिजिड पेमेंट के लिए नहीं होगा ना सर, रिजिड पेमेंट के लिए नहीं, वो एक मोटा मोटा तौर पर कहा गया, ऐसा नहीं है। ये रिजिड पेमेंट के, देखो यहाँ वाली जो बात थी, ये रियल में रिजिड पेमेंट के लिए नहीं होगी, क्योंकि इस रियल रिजिड पेमेंट में हम सेंटर ऑफ पैनल तो लेते ही नहीं, हम कॉर्नर लेते हैं, एज लेते हैं, और आपका इंटीरियर लेते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन था इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट था, तो वहां पर आपका ये ध्यान रखना है, बिल्कुल सही कहा है। चलिए 25वां सवाल का जवाब करो। कंसिडर द फॉलोइंग इन रिलेशन टू ग्रुप इंडेक्स ऑफ सॉइल। बोलिए, इंडेक्स ग्रुप इंडेक्स ऑफ सॉइल। पहली बात तो ये क्वेश्चन करने के लिए भैया आपको सीधे सीधे किसकी याद होनी चाहिए, फॉर्मूले की याद होनी चाहिए, और फॉर्मूला किसका, जीआई वैल्यू का। तो क्या जीआई वैल्यू में लिक्विड लिमिट था, क्या प्लास्टिसिटी इंडेक्स था, क्या परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन सीव था, पी याद आ रहा है, और जो नहीं था तो क्या नहीं था बोलो। ऐसा इस तरह का कोई भी शब्द नहीं यूज किया आपने, तो आप कहेंगे कि सर एक तो सही हो गया, थ्री हो गया, और दूसरा क्या हो गया सर, चौथा, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा क्या। यस सर, तो आप बोलेंगे 1, 3 का 4, ये हो जाएगा आंसर। हालांकि थोड़ा सा याद करा दूं मैं आपको, फिर से एक बार रिवाइज करा दूं कि सर जब हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात कर रहे थे, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिजाइन करने के लिए ये पांच मेथड हुआ करते थे, जिनका नाम है ग्रुप इंडेक्स मेथड, सीबीआर मेथड, ट्रायक्सियल मेथड, वर्मिस्टर और मैक्लियोड। इन्हीं में से सबसे सर्वोच्च में रखे जाते हैं ग्रुप इंडेक्स और सीबीआर। ग्रुप इंडेक्स को थोड़ा समझा देता हूं क्या होता है कि ग्रुप इंडेक्स मेथड, दिस इज व्हाट, ध्यान से सुनिए, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। इंडेक्स प्रॉपर्टी आर दोज विच आर यूज्ड ओनली फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। भाई सॉइल का क्लासिफिकेशन जिसके हिसाब से आप कर पाते हैं वही तो इंडेक्स प्रॉपर्टी। जैसे कि आप सॉइल में लिक्विड लिमिट निकालते हैं क्या, अरे निकालते हैं, प्लास्टिक लिमिट निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं, और एक और टर्म्स निकालते हैं जिसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स तो आप जानते ही हैं क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। और मैंने आपको हमेशा कहा है भाई, सॉइल के सबसे बेसिक फॉर्मूले जो कि हर साल आते हैं, एक तो आईपी वाले पे से आएगा, ये तो खैर सभी को याद रखता है, एक आता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स का और एक आता है लिक्विडिटी इंडेक्स का, याद है, बोलो कौन बोलेगा कंसिस्टेंसी। हालांकि यहां पर जरूरत नहीं है, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन आईपी, और इसका आईएल का नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन, ठीक है। तो कहने का मतलब है डब्ल्यू एन माइनस डब्ल्यू पी अपॉन आईपी, लिक्विडिटी इंडेक्स,
लिक्विड लिमिट माइनस डब्ल्यू एन अपॉन आई पी, दिस इज द कंसिस्टेंसी इंडेक्स, दिस इज द लिक्विडिटी इंडेक्स। यहां पर जरूरत नहीं है, यहां पर हमें सीधे सीधे जी आई का जरूरत है। देखो अब जी आई क्या होता है। जी आई दिस इज द ग्रुप इंडेक्स वैल्यू 0.2A प्लस 0.005AC प्लस 0.01BD। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है सर, सबको याद होगा। याद नहीं है तो दो चीज बार देख लो, याद हो जाएगा। चलिए अब यहां पर ए बी सी डी ये जो चार फैक्टर है दोस्तों, ये कैसे निकालते हैं। सबसे पहले फैक्टर सर ए कैसे निकालेंगे, यहां पर लिख देता हूं चलो आपके साथ। सबसे पहले बोलो कौन बोलेगा ए। ए इज इक्वल टू जो परसेंटेज फाइनर देन 75 माइक्रोन से पी माइनस 35 करोगे। लेकिन सवाल यह है कि सर ये 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये जो ए होगा 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 40 से ज्यादा वैल्यू आ रही तो आप 40 से पुट कर देना वहां पर, ठीक है। बी क्या सर, बी माइनस सॉरी पी माइनस 15, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन अगेन 40। सी इज इक्वल टू सर लिक्विड लिमिट माइनस 40, लेकिन ध्यान रखिएगा ये बड़ा नहीं होना चाहिए 20 से। और D इज इक्वल टू हो जाएगा IP, वही लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, IP माइनस 10, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20। P वही परसेंटेज फाइनर देन 75 माइक्रोन सीव। दूसरा बोला है लिक्विड लिमिट डब्ल्यू एल प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जो कि डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी होता है। याद कर लोगे, याद ही हो गया होगा। नेक्स्ट हम सवाल करते हैं कि सर जी आई का जो रेंज होता है वो कितना तक होता है। बहुत लोगों को ये वैल्यू भी डायरेक्टली पूछी जाती है, ये रेंज याद भी रहता है, खैर ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें भी, क्योंकि दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। जीरो से सर 20। हालांकि IRC ने यहाँ पर एक और बात कही है कि सर यहाँ पर बोला है सॉइल और यहाँ पर बोला है GI वैल्यू। जैसे कि मैं कहूँ कि सर GI की रेंज 0 से 20 जरूर होती है, लेकिन अगर 0 से 1 है तो ऐसे कुछ कहा था क्या? 0 से 1 है तो इस सॉइल को क्या कहते थे सर, बोलो। गुड सॉइल, इस सॉइल को बोलेंगे सर गुड सॉइल। ये तुम्हारी क्या है, GI वैल्यू है सर, ये GI वैल्यू की रेंज में बता रहा हूँ। लेकिन यहीं पर अगर हम जाते थे 2 से 4, अगर आपकी GI होती तो इस सॉइल को क्या बोलेंगे सर, फेयर सॉइल। याद हो गया सबको, बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद 5 से 9 में आओगे तो सर ये रेंज क्या हो जाएगी, सॉइल को क्या बोलेंगे सर, गंदी सॉइल, पुअर सॉइल, बेकार सॉइल। और उसके बाद जब आपको आप 10 से 20 आ जाओगे सर, तो 10 से 20 की जो सॉइल GI की रेंज होगी, सॉइल को बोलेंगे वेरी पुअर। तो ये है सर, तो GI का रेंज ये है। लेकिन इनके अंतर्गत कभी पूछा जाए तो इस रेंज को भी याद रखना। हायर द GI वैल्यू पुअर द सॉइल, देखो जितना GI वैल्यू है उतना पुअर हो रहा है, हेंस हायर द थिकनेस। मतलब कि जितना GI वैल्यू ज्यादा उतना ही सॉइल क्या होगी सर, बहुत गंदी, और उतना ही आपको थिकनेस क्या करना पड़ेगा सर, बढ़ाना पड़ेगी, मोटाई बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। टोटल थिकनेस ऑफ पेमेंट डिपेंड अपॉन द GI वैल्यू ओनली, वेयर द थिकनेस ऑफ बेस सरफेस कोर्स डिपेंड ऑन द GI एंड ट्रैफिक वॉल्यूम, दोनों पर डिपेंड करेगा वो तो। चलिए खैर, तो ये सारी बातें आपको बता रखी हैं और आज का एपिसोड यहीं पर करते हैं खत्म MCQ का। तो यहाँ पर पेमेंट डिजाइन के जो एक बेसिक स्तर के और मॉडरेट स्तर के जो क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए। तो बहुत ज़्यादा इसमें एरिया भी नहीं है, मैं बता दूँ इसमें बहुत ज़्यादा एरिया भी नहीं है पूछने का। पूछने का एरिया जो है बड़े लेवल पर होता है, फिर जब हम बात करते हैं गेट इंजीनियरिंग सर्विस में तो फिर उसमें बड़े बड़े न्यूमेरिकल आते हैं, तो वो तुम्हारा इस लेवल में आते नहीं। अब मैं दूसरा जो प्रैक्टिस कराऊंगा कल होगा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फिर शुरू से ज्योमेट्री के बाद और ट्रैफिक के बाद, वो होता है पेवमेंट मटेरियल वाला। उससे खूब क्वेश्चन आते हैं भाई, इस तरह के क्वेश्चन एग्जामों में, जैसे JEE में, RRB JEE में, SSC JEE में, UKPSC JEE में, या और भी जितने स्टेट AE और JEE में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि टेस्टिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे इस तरह के एग्जाम में। जैसे आपसे बोल जाएगा कि एग्रीगेट के टेस्टिंग आपने पढ़ा होगा, जो हम पढ़ेंगे भी एग्रीगेट पे कई सारे टेस्टिंग हम करते हैं, टफनेस टेस्ट, एब्रेशन टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, उसके अपरेटस होते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। बिटुमिनस के टेस्टिंग पर क्वेश्चन आते हैं, कोलतार होता है उस पर आता है ना, उसको पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। हमारा पेमेंट मटेरियल पर होगा हमारा सवाल। तो ये SSC और उनके JEE के लिए प्री और मेंस दोनों की तैयारी इसमें हो रही है भाई 2024 के हिसाब से, तो ये आप इस कोर्स को देख सकते हैं। दूसरा RRB के लिए तो लंबा टाइम है, आप देख रहे हैं, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़िया से तरीके से अपना एक एक सब्जेक्ट को पढ़ो, बहुत सारे सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं करंटली। नेक्स्ट SSC JEE और RRB JEE आप चाहते हैं कि दोनों को मैं साथ में पढ़ना चाहता हूं, तो एक कॉम्बो पैक हमने और बनाया है। हालांकि ये तो GS स्पेशल बैच है जो कि 2000 के करीब होगा, ठीक है। कल मिलते हैं पेमेंट मटेरियल की क्लास में।